आगरा में बहन के घर आए मायके वालों को जीजा ने प्रधान के साथ मिलकर डंडों से पिटाई कर दी। पीड़ित प्राची वाजपेयी ने बताया कि वह अपनी माँ, चाची, भाई, पति देवर के साथ बहन से मिलने जा रही थी। इस दौरान उनके जीजा मनोज चतुर्वेदी ने बहन को फोन किया और कहा कि घर पर लोग क्यों आ रहे हैं। बहन ने कहा, मेरे परिवार वाले हैं। जीजा ने कहा कि महिला आए लेकिन किसी का हस्बैंड नहीं आना चाहिए। मारपीट से पहले का वीडियो भी सामने आया है। वहीं पीड़ित प्राची साली की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित प्राची वाजपेयी ने बताया कि हम लोग जब घर पहुंचे तो जीजा मनोज चतुर्वेदी अपने साथ जितेंद्र प्रधान, सत्येंद्र प्रधान आए और गाली गलौज करने लगे। बहस के दौरान उन्होंने लाइसेंसी बंदूक निकाल ली और डंडों से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान मेरे पति आशीष वाजपेयी, देवर आदित्य, बहन गुंजन, माँ सुषमा, चाची नीरा, भाई उमेश और उदय घायल हो गए। घायलों ने कहा कि जीजा खुद को भाजपा का नेता बताता है, उसके साथ सत्ता दल के प्रधान रहते हैं। थाने में पुलिस कर्मियों ने 3 घंटे बिठाए रखा, उसके बाद मेडिकल कराया। सीओ सदर अर्चना सिंह का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर 4 नामजद व 1 अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।